आई थिंक इट्स गोना बी वेरी डिफरेंट बिकॉज अभी अगर सलमान सर नहीं है तो बहुत डिफरेंट होगा पहले से बहुत ज़्यादा. अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक तरह से हम जितनी मेहनत करते हैं उसका एक रिवॉर्ड मिलता है हमें हमारी ऑडियंस की तरफ से और जिन्होंने हमारा टैलेंट पसंद किया है उनकी तरफ से. सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको रियलाइज होता है एंड आपको उससे जानकारी मिलती है कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो और आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो और इससे बेहतर भी काम करते रहो. शो तो खैर बहुत ज़्यादा प्यार मिल ही रहा है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ. एंड आई एम ग्रेटफुल इसके लिए भी क्योंकि मैं एक बहुत ही प्यारे शो की बहुत ही प्यारी स्टोरी की एक पार्ट हूँ. एंड उसके साथ साथ रही बात रील की तो जब ऐसा मौका दे देती है किस्मत क्योंकि यूजुअली छुट्टी नहीं मिलती है एंड वैसे ही मैं सेट है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है पर जब मिलता है तब कोशिश करती हूँ कि शायद कुछ दे पाऊँ मैं. नहीं ऐसा कुछ स्पेशल कारण नहीं है. जब आप वसई में शूट करते हो हर रोज़ आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है तब आपके साथ ऐसा ही कुछ होता है. मैं क्या बोलूँगी इसमें आई थिंक इट्स गोना बी वेरी डिफरेंट बिकॉज अभी अगर सलमान सर नहीं है तो बहुत डिफरेंट होगा पहले से बहुत ज़्यादा. अभी क्या होगा इतना तो मुझे नहीं आइडिया. थैंक यू. मैं भी आई.